31 अक्टूबर 2021 को नागपुर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मौज श्रमिकों के लिए घोषणा की। कर्मचारियों के लिए 10 साल के लिए वेतन संशोधन किया गया है, जो 1 अगस्त 2017 से 27 तक प्रभावी होगा। इससे लगभग 5,800 कंपनी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह प्रबंधन और मॉल के मान्यता प्राप्त संघ यानी मॉल कामगार संगठन के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। प्रस्ताव में 20% का फिटमेंट लाभ और 20% की दर से अनुलाभ भत्ते शामिल है। कंपनी द्वारा मई 2019 से बेसिक और डीए के 12% की दर से अंतरिम राहत दी गई। हालांकि कंपनी के लाभ और हानि खाते पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वेतन वृद्धि के लिए लेखा पुस्तकों में पूरा प्रावधान पहले ही किया गया है। प्रास्ताविक वेतन संशोधन का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 87 करोड़ प्रतिवर्ष होगा। कंपनी 1 अगस्त 2017 से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि का बकाया राशि का भुगतान एक बार में ही कर देगी, जिससे लगभग 218 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। कंपनी के पास टेक्निकली असेस्ड कैपेसिटी है, 19 लाख का एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, लेकिन 14 लाख का 13 लाख का प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें यह रहता है, आप लोगों ने जिसने अंडरग्राउंड माइंस देखी है खास करके या ओपन कास्ट माइंस भी देखी है, तो उनको एक पता होगा कि आप लोगों को उस पॉइंट तक पहुँचना पड़ता है जहाँ पे ओर का प्रोडक्शन एक्चुअली हो रहा है। आपके पास सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस रहने से या आपके पास माइन होने से नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो अंडरग्राउंड डेवलपमेंट खास करके जो है अंडरग्राउंड माइनिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आपके पास कंटिन्यूसली वो जो ओर ब्लॉक्स है वो डेवलप होते रहने चाहिए, नए नए स्टॉक्स बोलते हैं उसको, सो दैट आप लोग वहाँ से उसको प्रोडक्शन करते रहे कंटिन्यूसली। तो इसमें अगर आपके समझ के चलिए आप लोग कहीं प्रोडक्शन यानी शाफ्ट जो रहता है शाफ्ट डिपेंड करना पड़ता है बीच बीच में आपको, क्योंकि आप जब इनिशियली शाफ्ट तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैप अंदर का नहीं करते हैं, तो जब भी आप उसको उस वर्क को टेकअप करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि वहाँ का जो मक रिमूवल बोलते हैं वेस्ट रॉक रिमूवल है, उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।